हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीथिंग रिव्यू एपिसोड नंबर 3। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसे राइटर का जिसको हमने निकाला है सोने की खान का, रेवोल्यूशन ऑफ इंडियन मैथोलॉजिकल बुक्स। आप जानते होंगे कौन है, लेकिन फिर भी आमिश बाय गॉड, ये राइटर कमाल का है। इसकी बुक्स की आप सिर्फ इससे पता कर सकते हो कि मिलियंस, करोड़ों की मिलियन, बिलियंस को भी क्रॉस कर जाती है। कई ऐसे टाइप की बुक्स लिखते हैं ये, और आज मैं इनकी रिव्यू करने वाला हूँ, इनकी सबसे बड़ी मैथोलॉजिकल सीरीज द लेजेंड ऑफ मिलुआ का। तो इस वक्त मेरे पास इसकी सिर्फ दो बुक्स हैं, क्योंकि तीसरी जो बुक है वो उसका पेड प्रमोशन का उसका पैसा नहीं मिला मुझे, और अभी मेरे पास यही दोनों है, अपने पैसे में इतना ही मिला। तो अपन इसका रिव्यू कर रहे हैं, और क्योंकि ये एक कंप्लीट सीरीज़ है तो मैं दोनों बुक्स का अलग अलग रिव्यू नहीं करूँगा, ये सिर्फ एक ही रिव्यू होगा दोनों में एक बुक, ताकि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े दिमाग से। तो चलिए शुरू कर। टॉपिक नंबर 1, कैरेक्टर बिल्डिंग। दो, द सीक्रेट ऑफ नागास, द इमॉर्टल्स ऑफ मिलुआ एंड द ओथ ऑफ वायुपुत्रास। ये बुक के तीन पार्ट्स हैं, और तीनों के तीनों पार्ट इतने औसम हैं कि आप सोच नहीं सकते। बुक की जो स्टार्टिंग है वो है हमारे शिवा, जो कि लॉर्ड शिवा को इन्होंने लिया है, एंड उनकी स्टोरी को ऐसे राउंड अप किया है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि स्टोरी कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। तो जो हमारे राइटर फील्डिंग में भाई साहब आमिर सर ने जो काम किया है, इट इज़ रियली माइंड ब्लोइंग। तो आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 पे, जो आता है कैरेक्टर बिल्डिंग का। तो कैरेक्टर बिल्डिंग में अगर बताऊं तो ये जो हमारी बुक है, इसके जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो है शिवा, एक ट्राइबल हेड जो कि अपने ट्राइब के साथ माउंट कैलाश के पास रहता है, एंड उसकी लाइफ बहुत ट्रेजिक है, क्योंकि उसके उसका जो ट्राइब है उस पर अदर ट्राइब्स हमला करते रहते हैं, क्योंकि वो मानसरोवर लेक के पास रहता है, एंड उससे वो बहुत तंग आ चुका है, क्योंकि उसके बहुत सारे लोग मरते हैं। एंड एक दिन उसके पास एक आदमी आता है, एक बहुत बड़े देश का, उसको कहने से बड़ी बात इस बुक सीरीज़ की है कि हर कैरेक्टर की एक डेप्थ है, हर कैरेक्टर का एक बैक स्टोरी है, उसकी जो एक्शंस हैं उसकी वजह है। बुक में ऐसा आमिर सर ने ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं छोड़ा जिसके एक्शंस की रीज़न नहीं है कि वो एक्शन ऐसे क्यों कर रहा है। हर काली हो, गणेश हो, एंड इवन शिवा एंड राजा दक्ष, एवरीवन हैज एन ओन मोटिव वो क्यों कर रहा है, और नो वन इज़ रॉन्ग एट हिज प्लेस, हर कोई अपनी जगह पे सही है। तो कैरेक्टर बिल्डिंग के हिसाब से बुक बहुत बढ़िया है, बुक के जो कैरेक्टर्स हैं वो ऑन द पॉइंट हैं, कोई भी ज़्यादा खींच नहीं रखा, एंड द स्टोरी बुक बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। तो अगर बात करें पॉइंट नंबर 2 पे स्टोरी लाइन का, तो जो स्टोरी लाइन है बुक की वो हिंदी है, ऐसा क्या है इसमें, क्यों पढ़ूं मैं। अगर स्टोरी की बात करूं तो बुक की स्टोरी आपको किसी भी पॉइंट पे निराश नहीं करती। अगर आप एक क्लिफ हैंगर से निकलोगे तो बाय गॉड अगले पेज पे आपको नेक्स्ट क्लिफ हैंगर मिलेगा। बुक की जो लेंथ है वो ज़्यादा नहीं है, बुक के जो चैप्टर्स हैं वो लिमिटेड हैं, लेकिन अनलिमिटेड चैप्टर्स में जो कहानी के जो पोर्शंस हैं जो लिए गए हैं वो बहुत कमाल हैं, एंड बुक के जो टाइटल्स हैं वो उस कहानी को बहुत सूट करते हैं, जैसे कि ये द इमॉर्टल लेजेंड ऑफ मिलुआ। याद बता दें इसके आगे स्पॉयलर्स हैं, अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो नीचे टाइम स्क्रिप्ट लिख रखा है, वहाँ पर जाके आप स्किप कर सकते हो। तो जैसे कि टाइटल है इमॉर्टल्स ऑफ मिलुआ, इसमें जो शिवा है जिसको लोग नीलकंठ कहते हैं, वो आगे जाके उसको मिलुआ को एक्सप्लोर करता है कि वहाँ का उसका देश कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे उनकी लाइफ कितनी खुशहाल है, और जो खुशहाल ज़िंदगी है उसके पीछे कितना दुख, कितनी सफरिंग छिपा के बैठे हैं लोग, वो इस बुक में पता चलता है एंड द इंस्पेक्ट शिवा के नज़रिए से कि लोग कितने दुखी हैं। वहीं ये जो दूसरी बुक है द सीक्रेट्स ऑफ नागास, इसके अंदर जो नागास हमारे क्रिएचर्स हैं जो कि बिल्कुल ही ज़्यादा दबे हुए हैं, और बहुत ही इनको विलन ओर से दिखाया गया था पहली बुक में, यहाँ पे उनको ह्यूमनाइज किया गया है, जैसे काली हैं, गणेश हैं, इन सब कैरेक्टर्स को एक उनका एक मोटिव दिया गया है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके साथ कितना बुरा हुआ है,
एंड इवन शिवा, अच्छी बात इस बुक में ऐसी है कि जो शिवा है वो इवन रियलाइजिंग कि गणेश उसका बेटा है, ही उसे फॉरगेट नहीं करता क्योंकि उसने उसके दोस्त को मारा है। एंड उसके दोस्त को जो मारा है वो आता है वो इस बुक के एंड में जब पता चलता है कि उसका दोस्त मारा ही नहीं, दैट्स द सरप्राइज एवरीवन वांट्स। बुक रीडिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप उसको इंजॉय करते हो, व्हेन यू नो कि थ्रिलर एकदम से बैम करके आपके सामने जब क्लिफ हैंगर खुलता है और आपको सारी कहानी आपके सामने खुलती है, तब आपको रियलाइज होता है यार ये तो सामने ही था फिर भी पता नहीं चला। बुक की स्टोरी लाइन आपको एक भी सेकंड पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं बुक छोड़ देता हूँ। तो अगर स्टोरी लाइन के हिसाब से बुक कहीं भी फ्लॉलेस है, बुक में कोई गलती नहीं है। और अगर आप बात करते हैं हमारे तीसरे मोटिव पर जो कि आता है राइटर का राइटिंग स्टाइल, तो उसके बारे में मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ बुक के आगे के जो रिव्यूज़ हैं वही बता देंगे आपको कि ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए। सुनाता हूँ, तो अमिताभ बच्चन ने कहा है आई विश मैनी मोर वुड इंस्पायर बाय अमिश त्रिपाठी। इट्स अ बिग थिंग यार, अमिताभ बच्चन तारीफ कर रहा है कि और वो हों। रश्मि बंसल बेस्ट ऑथर ऑफ स्टे हंग्री स्टे फुलिश, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने लिख रखा है द शिवा ट्रिलॉजी इज अ रेसी मैथ थ्रिलर विद अ मसाला ट्विस्ट लाइक अमर चित्र कथा ऑन स्टेरॉइड्स। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, जो भी आप पॉइंट इनको आमिर सर की जो राइटिंग है वो बहुत औसम है, चाहे बात कर ले शिवा ट्रिलॉजी की या फिर राम ट्रिलॉजी की या फिर और भी जो उनकी बुक्स हैं, उनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो बिल्कुल ऐसे लेयर्स में है एंड आपको फटैक की तरह आपके सामने चीज़ ऊपर आती है। तो आमिर सर की जो राइटिंग है वो आपको कहीं भी किसी भी एंगल में आपको ये नहीं लगने देगी कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। इवन इफ अगर आपको लग रहा है अभी कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो आप एक काम करो, गूगल कर लो अमिश त्रिपाठी, उनकी बुक्स की उनके रिव्यूज़ पढ़ लो, आई गेस आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं तो वो आते हैं, हम अपने अगले पॉइंट पर आते हैं जो कि है बुक का पेस। तो बुक का पेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, फास्ट है, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते पढ़ते सो जाओगे, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप पढ़ते पढ़ते आपको ध्यान में ही नहीं रहा कि यह बुक कहानी कहाँ चली गई। स्टोरी अपने एक स्पेसिफिक रिदम है जिसपे कंटिन्यू रह करती है, कहीं ज़्यादा दूर नहीं भागने की कोशिश करती, एक लिमिट में रहती है, लेकिन वो जो लिमिट है उसी में वो अपने सारे कैरेक्टर्स को खोलती है, उनकी परतें निकालती है। हर की जो पेसिंग है अगर उसके बारे में बोलूँ तो सही स्पीड में चलेगी, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। तो अगर बुक एंड करें अपने रिव्यू को, तो आता है मेरा ओपिनियन। तो अगर बात करें तो मेरा ओपिनियन इस बुक के बारे में, तो सच बताऊँ दिस वॉज माई लिटरली फोर्थ और फिफ्थ नॉवल जो मैंने पढ़ी, एंड दिस वॉज माई फर्स्ट सीरीज जो कि मैंने बुक्स की सीरीज थी जो कि मैंने कम्प्लीट की। एंड मैं कहना चाहूँगा आमिर सर प्लीज़ सर ऐसी बुक्स और बनाओ, और अगर और कोई भी ऑथर है जिसके दिमाग में ऐसे आइडियाज आ रहे हैं तो गाइज वेट मत करो, जल्दी जाओ और अपनी बुक को कम्प्लीट करो, पब्लिश करो, पढ़ने वाले हम हैं। एंड में मैं कहना चाहूँ तो आमिर सर की राइटिंग बहुत कमाल की है, बुक की पेसिंग बहुत कमाल की है, कैरेक्टर्स बहुत कमाल के हैं, स्टोरी बहुत कमाल की है। मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था वायुपुत्रा से क्योंकि वो दोनों इनके सामने कुछ ज़्यादा मतलब अच्छी है कहानी, अगर आपने ये दोनों पढ़ी हैं तो वो एक बुक आपकी कहानी को क्लोजर देते हैं, लेकिन अकेले अगर स्टैंडर्ड में बुक देखे जाओ तो स्टैंडर्ड में ये दोनों आप बुक वैसे पढ़ सकते हो अकेले अकेले, लेकिन वायुपुत्रा शायद आप नहीं पढ़ पाओगे। तो अब मेरा ओपिनियन है कि बुक बहुत अच्छी है, आपको ट्राई करनी चाहिए। अगर आप मैथोलॉजी में हो, आप भगवान शिव जी के भक्त हो, आप एक रीडर हो, अगर आप इनमें से कोई भी एक हो, तो गाइस दिस बुक इज़ फॉर यू, इसको पढ़ो, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर इस वीडियो में कुछ अच्छे होंगे, अच्छे व्यूज़ मिले, तो शायद मैं अपने जो बुक रिव्यूज़ का वो है एवरीथिंग रिव्यूज़ उसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, वरना अपना एनिमे वाला जो है उसी पर फोकस करना हो। तो आप बताओ आपको एनिमे चाहिए या फिर राइटिंग वाला,
जो भी है कमेंट डाउन नीचे हैंडल में मेरा इंस्टाग्राम है, उसे चेकआउट करो। और अगर आपके पास ऐसी और बुक्स हैं जो कि आप मेरे से चाहते हो कि मैं रिव्यू करूं, तो पिंग मी डाउन, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाहर मत निकलो, निकलो तो दोनों वैक्सीन की डोज लेके मास्क लगा के फिर निकलो। अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और स्टे हेल्दी स्टे सेफ स्टे स्माइलिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।